हरियाणा के करनाल के लोगों द्वारा किसानों को समर्थन देने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में पंचायत नई अनाज मंडी की ओर से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के चलते अनाज मंडी से राशन सामग्री से भरे ट्रक को रवाना किया गया है। पंचायत नई अनाज मंडी के पूर्व प्रधान ने बताया कि एसोसिएशन की ओर से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि मंडी से अपने साथ राशन सामग्री, गद्दे, बिस्तर व खाने पीने का सामान किसान आंदोलन में देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का पूर्ण समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि इस नए कृषि कानून से किसानों को दुर्गति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े घरानों के पास खेत की उपज खरीदने का अधिकार रह जाएगा। किसान की फसल MSP के बिना खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस नए काले कानून से मंडियां भी समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाएंगी एवं किसान व आढ़ती का भाईचारा भी खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि करनाल पंचायत नई अनाज मंडी की ओर से बड़ी संख्या में लोगों के साथ किसान आंदोलन की ओर कूच किया गया है, साथ में हर संभव सहायता करने का निर्णय भी लिया गया है। आंदोलन वहाँ दिल्ली में है, उसका तन मन धन से समर्थन करते हैं और उन्हीं के समर्थन में उनकी ज़रूरत का जो सामान है, गद्दे है, कंबल है, घी है, तेल है, पानी है, रस है, बिस्कुट है, हमने उनकी ज़रूरत का सामान आज लेके जा रहे हैं, उनका समर्थन करेंगे और जब तक किसान धरने पर बैठे रहेंगे तब तक हम उनका समर्थन करते रहेंगे और सरकार से मांग करते हैं जल्दी से जल्दी जो किसानों की जायज मांगे हैं उनको मांगे। और BJP सरकार का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके ये कानून बनाना चाहिए था। ना किसानों ने ये कहा भाई ये कानून बनाओ, ना किसानों से पूछा गया। अब किसानों को इस कानून से बड़ी भारी समस्या है, मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी, MSP धीरे धीरे बड़े बड़े जो घराने हैं उन पर चला जाएगा और MSP के बिना फसल कौन खरीदेगा। किसान की फसल खेत में अच्छी भी पैदा होती है, मौसम ख़राब हो जाता है हल्की भी पैदा होती है, लेकिन सरकार MSP पे उसको सारी फसल को खरीद लेती है, चाहे गेहूं की बात हो, चाहे जीरी की बात हो, चाहे और दूसरी मक्के की बात हो। अच्छा, जहां तक पेमेंट की बात है, गन्ने की पेमेंट एक एक साल तक किसान को नहीं मिलती। हमारे पास किसान आता है कहता है जी हमारी गन्ने की पेमेंट नहीं आती है। ऐसे जीरी की पेमेंट है, जीरी की पेमेंट भी अब की बार जो 72 घंटे की पेमेंट है वो भी एक एक महीना से मतलब जाके मिली है, कुछ मिली है, कुछ अब तक पेमेंट भी रह रही है। तो किसान भी दुखी है, आढ़ती भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, नीम भी दुखी है, हर कोई इस समय परेशान है। सरकार 100 रुपये किलो भी बिक सकता है जी, अगर स्टोर ज़्यादा होगा तो 100 रुपये किलो भी बिक सकता है। किसान की फसल के टाइम पर वो किलो भी ले सकते हैं, बाद में उसको फिर ले सकते हैं। दुकान ये एक मंडी को ना तोड़ा जाए, मंडी के अंदर ही व्यापार होने दें, जैसे पहले चल रहा ना उसका उनको पैसे ही करें। अगर तो बाहर गया हूँ तो उनको मंडी लगे बैठ जाओ, सारी मंडी पंचायत ने करके इकट्ठे करके मंडी से बाहर से विषय मिले हैं, गद्दे हैं, कम्बल है, एक मिनट में है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.